हेलो क्लास नाइन्थ, कैसे आप सब? वेलकम बैक टू दिस मॉडर्न मास्टर जी चैनल। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है? और ये आपकी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। सो स्टार्ट करते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, ठीक है? अब यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स दिए हैं, इनको आपको बताना है कि इनमें से कौन से रेशनल है और कौन से इरेशनल हैं। ओके, सो फर्स्ट है यहाँ पर अंडर रूट 23। तो अब आप देखो, रेशनल नंबर्स हमें पता है क्या होते हैं, जो कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, जिन्हें हम लिख सकते हैं, ठीक है? रेशनल नंबर्स को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर कि क्यू डज नॉट इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए और ये टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है? टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग भी नहीं होता और नॉन टर्मिनेटिंग भी नहीं होता, ठीक है? सब आप देखो, रूट 23 जो है ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम इसे नहीं लिख सकते, तो ये नॉर्मल है, ये क्या है? इरेशनल है, ठीक है? ये इरेशनल है। अभी आपको देखो, जब हम पाँच करेंगे ना, पाँचों के पाँचों, तो आपको पता चलेगा। फिर उसके बाद सेकंड देखते हैं, 225 है, ठीक है? 225 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 15 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है? अंडर रूट 225, तो ये किसका स्क्वायर होता है? 225 15 का स्क्वायर होता है, तो ये 15 है, और 15 को मैं यहाँ पर 15/1 जो कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ, जहाँ पर क्यू डज नॉट इज इक्वल टू जीरो भी है, तो ये हो जाएगा आपका रेशनल नंबर, ठीक है? तो ये सेकंड आपका रेशनल हो गया। अब थर्ड है, थर्ड देखो, ये कोई नंबर रहा होगा, ठीक है? पहले पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, उसको हमने जब डिवाइड किया तो हमारे पास ये आया, तो इसका मतलब ये रेशनल है, क्योंकि देखो ये नंबर ना यहाँ पर जाकर ख़त्म हो जा रहा है ना। ऐसा भी नहीं है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग हो, ऐसा भी नहीं है ये नॉन रिकरिंग यानी कि रिकरिंग हो, तो ये नॉन रिकरिंग है और टर्मिनेट भी हो रहा है, तो इसलिए ये क्या होगा? ये हमारा होगा रेशनल नंबर, ठीक है? ये होगा रेशनल नंबर। ओके, फर्दर मूव करते हैं। अब ये क्या है, ठीक है? ये देखो 7.478478 और आगे भी ये चलता जा रहा है, इन्फिनिटी तक ये चलता जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा इरेशनल, ठीक है? क्योंकि आप इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके, फिर यहाँ पर अब आप देखो, ये है 1.10100100001000001, फिर 00 पाँच बार, फिर उसके बाद 1, फिर 6 बार 0, इसका मतलब ये भी चलता जा रहा है और ये भी टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो ये भी आपका हो जाएगा इरेशनल, ठीक है? सो आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रेशनल और इरेशनल क्या होता है। ये था इरेशनल। अगर आप इसे 23 किसका स्क्वायर होता है 23, आपको नहीं पता, यानी कि ये पॉइंट में कुछ आएगा और हो, पता भी नहीं हमें कि वो टर्मिनेट हो या ना हो, और वैसे वो मुझे पता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है? तो ये इरेशनल हो गया आपका। 225 आपको पता है 15 का स्क्वायर होता है, तो आपको इसको 15 लिखा, 15/1 जो कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म का है, क्यू इज नॉट इज इक्वल टू जीरो। तो ये आपके, इसमें सिर्फ ये और ये, यानी कि सेकेंड और थर्ड आपके रेशनल हैं, बाकी ये तीनों इरेशनल है, ठीक है? सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 1.3। इस एक्सरसाइज में आपके 9 ही क्वेश्चन है, बाकी फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। बाय बाय।